Hello kids and hello everyone. I'm Dr. Anil Chaurasia and I welcome you all to the YouTube channel of Rhymes Public School. In this video, we will learn about the English names of various food items that we use every day. जी हाँ, हम हिंदी में तो सभी चीजों के नाम जानते हैं, पर जो नाम हम इंग्लिश में नहीं जानते हैं, हम वो सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं one by one. Okay, first we will discuss about the names of dry fruits. Okay, dry fruits are very essential for nutrition. Okay, so do you know badam? Badam ko kya kaha jata hai? Almonds. Badam is called almond. Kaju ko kaha jata hai cashew nuts. Kaju, cashew nuts. Aur pista ko kaha jata hai pistachio. How to read it? Pistachio. किशमिश तो सभी को पसंद होंगे. किशमिश को इंग्लिश में कहा जाता है रेजिन्स. रेजिन्स. अखरोट. अखरोट को कहा जाता है वॉलनट. क्या कहा जाता है? वॉलनट. अंजीर थोड़ा कम फेमस है, पर अंजीर को कहा जाता है फिग या ड्राइड फिग. अंजीर क्या कहते हैं? फिग और ड्राइड फिग. खजूर या पिंड खजूर, ये तो हम सभी को बहुत पसंद होता है. इस इंग्लिश में कहा जाता है डेट. 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 ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज मूंगफली. आप सभी अपने घरों में देखते हैं मूंगफली. इंग्लिश में इसे कहा जाता है पीनट. व्हाट? पीनट. इसे ग्राउंडनट भी कहा जाता है, बट प्रैक्टिकली वी कॉल इट पीनट. पीनट. तिल. तिल को कहा जाता है सिसेम सीड्स. सिसेम सीड्स. ओके, नेक्स्ट इज अलसी, विच वी कॉल फ्लैक्स सीड. अलसी. फ्लैक्स सीड. अलसी. फ्लैक्स सीड. ओके, लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस इंग्लिश एंड हिंदी नेम्स ऑफ ग्रेन्स, मतलब अनाज. अनाजों के हिंदी और इंग्लिश नाम. गेहूं. वीट. गेहूं. वीट. चावल. राइस. चावल. राइस. उग्ध चावल, somewhat a half boiled rice which is famous in South India. Okay, तो उग्ध चावल, parboiled rice and murmura, lye. आप जानते हैं murmura, उसे English में कहा जाता है puffed rice. Murmura, puffed rice, puffed rice. पोहा. पोहा को कहा जाता है beaten rice और rice flakes. पोहा. Beaten rice और rice flakes. Rice फ्लेक्स. सूजी या रवा, जिसे हम हलवा बनाते हैं. सेमोलिना. सूजी. सेमोलिना. सेमोलिना. साबुदाना. टैपियोका. टैपियोका या सैगो बॉल्स. टैपियोका और सैगो बॉल्स. आटा. व्हीट फ्लोर. आटा. व्हीट फ्लोर और होल व्हीट फ्लोर. मैदा. इट इज कॉल्ड ऑल पर्पज फ्लोर which is made of wheat only. Okay, all purpose flour. Besan, gram flour or Bengal gram flour. Besan, Bengal gram flour or gram flour. Chawal ka aata means rice flour. Makke ka aata, maize flour, kyunki makke ko maize kaha jata hai. Maize yani makka. Ragi aata, finger millet flour, क्योंकि रागी को कहा जाता है फिंगर मिलेट. रागी इज कॉल्ड फिंगर मिलेट. एंड द लास्ट वन इज बाजरे का आटा, पर्ल मिलेट फ्लोर. बाजरा मींस बाजरा भी कहा जाता है इंग्लिश में, या पर्ल मिलेट. बाजरा मींस पर्ल मिलेट. लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस इंग्लिश एंड हिंदी नेम्स ऑफ स्पाइसेस. दोस्तों, स्पाइसेस कहलाते हैं मसाले, और मसालों के बिना टेस्ट नहीं आता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम जानने चाहिए. लाल मिर्च मींस रेड चिली, और लाल मिर्च पाउडर को कहेंगे रेड चिली पाउडर. हल्दी, टर्मरिक. हल्दी, टर्मरिक. और हल्दी पाउडर को कहेंगे टर्मरिक पाउडर. ओके, हींग, असाफेटिडा. हींग को कहा जाता है असाफेटिडा. असाफेटिडा. धनिया, कोरिएंडर. धनिया, कोरिएंडर. और धनिया पाउडर मींस कोरिएंडर पाउडर. अनारदाना, पोमग्रेनेट. अनारदाना,
पोमग्रेनेट और अनारदाने के पाउडर को कहा जाता है ड्राई पोमग्रेनेट पाउडर और पोमग्रेनेट पाउडर। मेथी फेनुग्रीक, मेथी फेनुग्रीक और कसूरी मेथी भी कहा जाता है इसे, कसूरी मेथी या मेथी मीन्स फेनुग्रीक लीव्स। जीरा यानी क्यूमिन, जीरा क्यूमिन और जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर कहा जाता है। ओके नेक्स्ट अमचूर, मैंगो पाउडर, अमचूर मैंगो पाउडर, इट इज अ पाउडर ऑफ ड्राई मैंगो। धनिया कोरिएंडर, जीरा क्यूमिन, ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं जब मैं पाउडर्स के नाम बता रहा था, और सरसों या राय विच इज कॉल्ड मस्टर्ड, राय और सरसों इज कॉल्ड मस्टर्ड, मस्टर्ड मस्टर्ड सीड्स। सौंफ जो कि हम सब्जियों में भी डालते हैं और खाने के बाद भी यूज़ करते हैं, इसे कहा जाता है इंग्लिश में एनी सीड और फेनल सीड्स। सौंफ एनी सीड और फेनल सीड्स, व्हाट एनी सीड्स और फेनल सीड्स। फेनुग्रीक या मेथी के बारे में बात कर चुके हैं एंड द नेक्स्ट वन इज शाहजीरा, सकता ही आपने ना देखा हो, बाय द वे इट इज कॉल्ड करावे सीड्स, करावे शाहजीरा करावे सीड्स। ओके तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। ओके नेक्स्ट इज कलौंजी विच इज कॉल्ड ऑनियन सीड्स और निजेला, ऑनियन सीड्स और निजेला और अजवाइन को कहा जाता है कैरम सीड्स। ओके कैरम सीड्स अजवाइन कैरम सीड्स। ओके तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पल्स ग्रेन्स यानी कि दालों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि दालें प्रोटीन रिच होती हैं और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। शुरुआत करते हैं तुअर दाल से, तुअर दाल हम सभी जानते हैं डेली नॉर्मली हम खाते हैं इसको, इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लिट पिजन पीज, स्प्लिट पिजन पीज, तुअर या अरहर दाल स्प्लिट पिजन पीज। मसूर दाल पिंक लेंटिल, मसूर दाल को कहा जाता है पिंक लेंटिल, मसूर पिंक लेंटिल। चना दाल इसे कहा जाता है स्प्लिट बंगाल ग्राम, चना दाल स्प्लिट बंगाल ग्राम और स्प्लिट ग्राम। मूंग दाल ग्रीन ग्राम, मूंग दाल को क्या कहा जाता है ग्रीन ग्राम, और धुली हुई जो मूंग दाल होती है उसे कहा जाता है स्प्लिट स्किंड ग्रीन ग्राम, स्प्लिट स्किंड ग्रीन ग्राम। ओके लेट्स मूव अहेड, मूंग दाल छिलका वाली, ओके छिलका वाली जो मूंग दाल होती है उसे कहा जाता है स्प्लिट ग्रीन ग्राम विथ स्किन, स्प्लिट ग्रीन ग्राम विथ स्किन। धुली उड़द दाल स्प्लिट स्किंड ब्लैक ग्राम, स्प्लिट स्किंड ब्लैक ग्राम और उड़द दाल को कहा जाता है ब्लैक ग्राम। ओके और उड़द दाल जो छिलके वाली होती है उसे कहा जाता है स्प्लिट ब्लैक ग्राम विथ स्किन, स्प्लिट ब्लैक ग्राम विथ स्किन और केवल उड़द दाल को ब्लैक ग्राम, जैसा कि मैंने कहा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इनको लर्न करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि हम बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।